हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं एस के धीमान और आप देख रहे हैं शब्द कमिंग सर्विस 9625139948 एज यू विश। तो आई लाइक बी फ्रेंड। तो आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि अक्सर मेरे वीडियो में कमेंट आते हैं और अक्सर लोग कहते हैं कि प्लम्बिंग का काम बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है, पैसा इसमें बहुत ज़्यादा है और काम कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको एक छोटी सी क्लू वीडियो दिखाना चाहता हूँ, कृपया करके उसे पूरी देखिए और जानिए कि एक प्लम्बर का काम कितना आसान है, वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा जो काम है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही पैसे वाला है। तो आइए लेके चलते हैं आपको इस वीडियो में। देखिए गाइस, ये हम नाली बना रहे हैं। देखिए किन मेहनत का काम है। हाँ जी, जो हमारा ड्रेन पाइप है वो हमने यहाँ पे डालना है। तो पाइप डालने के लिए हम सबसे पहले देखिए इसके फर्श को तोड़ेंगे। तो देखिए ये हमने ड्रेन बना दिया नाली की, और इसमें पीवीसी का जो एग्रीकल्चर पाइप है वो भी हमने डाल दिया, और साथ में जो नाली की एक्स्ट्रा जगह बची है उसमें कंक्रीट छोटे छोटे पत्थर डालेंगे। फिर उसके बाद क्रशर और रेत और सीमेंट को मिला के हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमें जो सीमेंट है उसको अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम उसको मसाला बना करके पानी डाल करके उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। उसके बाद इसमें अच्छी तरह से रफ़ करेंगे। तो देखिए फिर इस प्रकार से ये काम किया जाता है। ये देखिए देखिए दोस्तों, ये हमारे सारे एक्सपर्ट। इसको अच्छे से डालना पड़ेगा। कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ से हमें मिट्टी भी निकालना पड़ती है, खुनाई वगैरह करना पड़ती है। तो ये सारे काम जो होते हैं ये प्लम्बर के अंडर आते हैं। उसके बाद ही आगे का काम चलता है। फिर भी लोग बोलते हैं कि हाँ प्लम्बर का काम बहुत ही आसान है। तो देखिए फिर इसके बाद जैसे हमने ये चैम्बर बनाया है, तो ये इसका इनलेट है और ये इसका आउटलेट है। तो चैम्बर में हम चनाई वगैरह करते हैं ईंटों से। फिर इसके बाद इसमें अच्छी तरह से प्लस्तर वगैरह भी किया जाता है, और इसकी ढलान भी जो है वो अच्छी तरह निकल जाती है। जैसे कंक्रीट दीवारों पे हम CPVC या पानी की पाइपें जो है वो लगाते हैं, तो उसके लिए हमें पहले डिज़ाइन बनाना पड़ता है दीवारों पे कि कहाँ पे बाथरेशन लगेगा, कहाँ पे हमारा शावर लगेगा, कहाँ पे हमारा गीजर लगेगा। वो सारा प्लानिंग जो है पहले करना पड़ता है। उसके बाद सामान लिखवा के ही सामान आता है। फिर उसके बाद दीवारों पे ड्राइंग हम बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। उसके बाद फिर हम कटर के द्वारा उसमें झरियाँ वगैरह निकालते हैं। तो झरियाँ वगैरह निकालने के लिए कटर चलाना पड़ता है। कटर की ब्लेड जो है वो कभी टूट भी सकती है, काम थोड़ा रिस्की है। इसके बाद छीनी और थोड़े से हम इसकी जो है अच्छे से तरीके से इसकी नालियाँ वगैरह बनाएंगे, जिसे हम झरी बोलते हैं। फिर इसमें जो है हमारी CPVC, GI, PPR या PVC जो पाइपें हैं वो हम अच्छी तरीके से इसमें फिट करेंगे। एल्बो, टी, सॉकेट, क्रॉसओवर, कंसील्ड बल्ब और बहुत सारे यूनियन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको लिखवाना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। फिर जाके हमें हमारा पॉइंट मिलता है, तब जाके हमें हमारे जो पैसे हैं तब जाके मिलते हैं। देखिए ऐसे ऐसे डिज़ाइन हमें बनाने पड़ते हैं कि इन डिज़ाइनों को देख के भी प्लम्बर घबरा जाते हैं। तो काम करना कितना कठिन होता है सोचिए ज़रा। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लोग लैपटॉपों में बताते हैं कि हाँ ये वाला हमें शावर चाहिए, ये हमें गीजर चाहिए, ये हमें फलानी चीज़ चाहिए, ये हमें वो चाहिए। तो इसके लिए प्लानिंग करके ही अच्छी तरीके से, अगर अच्छा प्लम्बर होगा तो वो अच्छा काम करके देगा, तो वो पैसे भी उस तरीके से मांगेगा। और नया काम करने वाला होगा वो काम को बिगाड़ भी सकता है। देखिए इस प्रकार से आजकल की फिटिंगें की जाती है शावरों के लिए, नलकों के लिए। तो
आप खुद ही सोचिए कि इनको सीखने के लिए कितना टाइम लगता होगा। तो इनको सीखने के लिए इतना टाइम लग जाता है, उसके बाद काम करते हैं, फिर जाके मेहनत। कभी फिर लोग बोलते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए, हम इतना नहीं इतना देंगे। लेकिन आप ही काम को देख के और इस वीडियो को देख के देखिए कि हमें 20-30 फुट के छज्जों पे खड़ के काम करना पड़ता है, और तभी जाके आपका घर बनता है। और एक प्लम्बर बनने के लिए 5 ट्रेडों का काम सीखना पड़ता है, तब जाके प्लम्बर बनता है। सब्सक्राइब कीजिए सब प्लम्बिंग सर्विस 9625139948 प्लम्बिंग की हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।